मोनिका गोम्स डिसिल्वा कॉलेज के स्टाफ लिस्ट में आपका नाम नहीं है। यहाँ तक कि डीन और एडमिन स्टाफ आपको जानता तक नहीं, ना नाम से ना चेहरे से। नताशा, अभी उसका सिर्फ एक झूठ पकड़ा गया है, आगे देखो और क्या क्या पता चलता है। जॉर्ज, लेकिन मोनिका कॉलेज जाती थी, मुझे अच्छी तरह से पता है। इवन मुझे भी यही लगता था कि वो वहां पढ़ाती थी। इतने सालों से वो ऐसे कैसे झूठ बोल रही थी? सिर्फ यही नहीं, उसने और कई झूठ बोले। मुझे तो वो पॉल पर भी शक हो रहा है कि पॉल और मोनिका ने मिलकर किया है। पीटर अंकल सही थे, अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि सारी डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी। आई एम श्योर उनसे कुछ गलती हो रही है। मतलब गलती कॉलेज स्टाफ की कि वो आपको नहीं पहचान रहे? नहीं, कॉलेज नहीं, गलती नताशा और जॉर्ज कर रहे हैं। मैंने कभी उनसे कहा ही नहीं कि मैं डिसिल्वा कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। पता नहीं गलती कर रहे हैं या फिर जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। मैं डिसिल्वा कॉलेज जाती हूँ, लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं, अपने काम से। अपने काम से मतलब? मैं पढ़ने जाती हूँ। तो अब आप कह रही हैं कि आप डिसिल्वा कॉलेज की स्टूडेंट हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हूँ, पढ़ने का शौक है, इसलिए डिसिल्वा कॉलेज की लाइब्रेरी जाती हूँ। इनफैक्ट वही नहीं, और भी लाइब्रेरी जाती। तो मिस्टर पॉल, आप भी यही कह रहे हैं कि आपको पता नहीं था कि मोनिका डिसिल्वा कॉलेज में पढ़ाती है? एक्चुअली सर, मुझे लगता था कि वो वहाँ पढ़ाती है, लेकिन उसने सामने से कभी कहा नहीं कि वो उस कॉलेज में प्रोफेसर है। और जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो वहाँ सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ने जाती है। वो सही बोल रही हैं। हमारे लाइब्रेरी मिसेस गायत्री कुंदनकर ने बताया कि मोनिका यहाँ लाइब्रेरी में रेगुलरली आती है। मिस्टर रसल, मोनिका ना तो स्टाफ में है ना स्टूडेंट है, फिर भी वो पिछले 15 सालों से रेगुलर यहाँ आ रही है। वो ऐसे कॉलेज में लाइब्रेरी में एंटर कैसे हो सकती है? आप लोगों ने अलाउ कैसे किया? मैं खुद ये सुनकर हैरान हूँ इंस्पेक्टर। अजीब बात है, मतलब कैसे कोई ऐसे झूठ बोल सकता है कि वो यहाँ टीचर है, और क्यों, जबकि उसका इस कॉलेज से कोई लेना देना ही नहीं। क्यों मोनिका ने क्यों झूठ बोला कि वो डिसिल्वा कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर है? इन्वेस्टिगेट कर रही टीम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मोनिका के इस तरह से झूठ बोलने का कारण क्या था। क्या इन्वेस्टिगेशन में इस क्यों का जवाब मिलने वाला था? इन 6 मौतों को अब मर्डर की तरह से देखा जाने लगा था। सर, मुझे तो यही लगता था कि वो यहाँ पर पढ़ाती है। काफी टाइम से मैंने उसका आईडी कार्ड भी नहीं चेक किया था, वो रेगुलरली यहाँ आती थी। अगर मुझे पता होता कि उसका इस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उसे अंदर घुसने भी नहीं देती थी। आपने आखिरी बार उसका आईडी कब देखा था? सर याद नहीं है, काफी पुरानी बात है। पर हाँ, मुझे इतना याद है कि उसके पास स्टाफ का एक आईडी कार्ड था। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। आपके पास उन किताबों की लिस्ट है जो उसने यहाँ से इशू करवाई हो और अपने घर लेके गई हो? वो कोई भी किताब अपने घर नहीं ले जाती थी, जो भी किताब पढ़ती थी वो यहीं पर पढ़ती थी, बल्कि मैंने उसे एक दो बार कहा भी था। मोनिका, मैंने देखा है तुम किताबें यहीं पर बैठकर पढ़ती हो, घर क्यों नहीं ले जाती? आराम से पढ़ लिया करो ना। मैडम, मुझे कोई भी काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है, इसलिए यहीं पर पढ़ लेती हूँ, और वैसे भी घर पर और भी बहुत सारे काम होते हैं। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे सकता है। वो लाइब्रेरी में आती है, यहाँ तक कि हमारी सिक्योरिटी भी नहीं रोकती उसे यहाँ आने के लिए। उन्हें भी ये लगता है कि वो यहाँ पढ़ाती है। साहब, मैडम तो मेरे यहाँ पे नौकरी लगने से पहले से आती हैं, सब जानते हैं उन्हें। साहब, कभी आई कार्ड चेक किया तुमने उनका? साहब, जिन टीचर को रोज आते जाते देखते हैं उनसे आई डी कार्ड कैसे मांगेंगे? साहब, उसने अपनी फैमिली को अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया है कि 2004 में उसे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिली। इंस्पेक्टर, उसने अपने फैमिली को जो भी कहा हो, मैं साबित कर सकता हूँ कि वो यहाँ टीचर कभी नहीं रही। पर ये कैसे पॉसिबल है? वो इतने आराम से कॉलेज में घुस जाती है, कोई उसका आई कार्ड चेक नहीं करता है, और ये काम वो पिछले 15 सालों से कर रही है। अगर हम ये भी मान ले कि उसने आईडी कार्ड जाली बनवाया होगा और उसी के बेस पे सबने उसे टीचर मान लिया, तब भी आईडी कार्ड हर साल नए बनते हैं, उसने 15 साल कैसे मैनेज किया होगा? मिस्टर रसल, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या मोनिका की पहुंच बैरामैक्सन तक हो सकती है या नहीं। लेकिन जब वो इतने सालों से आपके कॉलेज में लाइब्रेरी में खुलेआम घूम सकती है, तो वो आपकी केमिस्ट्री लैब में भी जा सकती है, और वहां से बैरामैक्सन लेकर लैब से कॉलेज से बाहर भी जा सकती है। ये इम्पॉसिबल है इंस्पेक्टर। बैरामैक्सिन एक रेस्ट्रिक्टेड केमिकल है, लैब में भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, वो भी कड़ी निगरानी में। मुझे आपके लैब इंचार्ज और लैब टेक्नीशियन से मिलना है। बैरामैक्सिन,
इसका नाम मैंने पहली बार तब सुना था जब फिलिप की डेथ हुई थी। पुलिस ने बताया था मुझे कि उसने बेरामैक्सिन लिया था और ये एक तरह का जहर होता है। आज तक इससे ज्यादा मुझे बेरामैक्सिन के बारे में नहीं पता। सचमुच? जी सचमुच। ये एग्जैक्टली है क्या? मैंने कभी नहीं देखा। आई मीन आई डोंट नो। अब वाकई इतने अनजान है फिर अनजान बनने का नाटक कर रही है। आप तो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं है फिर ऐसा क्यों सोच रही है मेरे बारे में? आप चाहे तो आराम से अंदर बैठ के बात कर सकते हैं। कॉफी पियेंगी आप? बेरामैक्सिन कहाँ से मिला? डिसिल्वा कॉलेज से ना, इसलिए आप अक्सर वहाँ जाया करती थी राइट? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता ये बेरामैक्सिन क्या होता है, कहाँ से आता है। मुझे साइंस में इंटरेस्ट है लेकिन सिर्फ लर्निंग के प्रोसेस से। वैसे ये बेरामैक्सिन होता क्या है? इंस्पेक्टर ये हमारे लैब टेक्नीशियन दीपक मंदार, बीरेन चैटर्जी, ये दोनों 1999 से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स जो केमिकल यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, आप उसके इंचार्ज हैं? यस सर। सर हम बहुत सावधानी बरतते हैं सर, बेरामैक्सिन जैसे रेस्ट्रिक्टेड केमिकल का तो बहुत ध्यान रखते हैं। सर हम सब चेक करते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है और कितनी मात्रा में केमिकल लगेगा सब। और सर जब हम लोग भी ड्यूटी से वापस घर जाते हैं तो सिक्योरिटी हमें भी चेक करते हैं। इंस्पेक्टर मैं भी आपको यही बता रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। आप दोनों मोनिका गोम्स को जानते हैं? लाइब्रेरी में कई बार मुलाकात हुई है उनसे, कई बार बातें भी हुई हैं। मैं भी मिला हूँ सर उनसे कई बार, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो केमिस्ट्री पढ़ाती है। मुझे लगा किसी और डिपार्टमेंट में। मोनिका से बेरामैक्सिन को लेकर कोई बात हुई? लाइब्रेरी में कई बार बातचीत हुई, डिस्कशन भी हुआ, लेकिन केमिस्ट्री से जुड़ी किसी चीज़ पर कोई बातचीत नहीं हुई सर। सर स्पेस साइंस पे मेरी कई बार बात हुई थी पर केमिस्ट्री पे कभी बात नहीं हुई। बेरामैक्सिन को लेकर पक्का कोई बात नहीं हुई? पक्का सर। मुझे आपकी इस लैब का 2004 से लेकर अब तक का पूरा डेटा चाहिए, खास तौर पर बेरामैक्सिन का। 2004 से अब तक कितना आया, किस किस एक्सपेरिमेंट में कितना यूज हुआ, पूरा रिकॉर्ड। आप दोनों के पास 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में मुझे पूरा डेटा चाहिए। मिस्टर रसल, मैं दीपक मंदार और बीरेन चैटर्जी को क्राइम ब्रांच बुला रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। इंस्पेक्टर आप इन दोनों पे शक कर रहे हैं? ये दोनों हमारे पुराने स्टाफ मेंबर्स में से हैं। मिस्टर रसल, मोनिका के पति फिलिप के मामले में ये शक जताया गया था कि वो मर्डर था क्योंकि उसकी बॉडी में बेरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले थे, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि बेरामैक्सिन आया कहाँ से था। उसके बाद 3 डेथ और हुई, पीटर फर्नांडिस, जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो। और फिलिप की डेथ से पहले उसके घर में 2 डेथ्स और हुई थी, उसकी माँ मारिया गोम्स और उसके पिता अल्बर्ट गोम्स। 6 डेथ्स जिन्हें नेचुरल डेथ मान लिया गया था, अब उन्हें मर्डर की नज़र से देखा जा रहा है क्योंकि ऐसा शक है कि सबके मर्डर में बेरामैक्सिन का इस्तेमाल हुआ होगा और इन सभी केसेस में हमारी प्राइम सस्पेक्ट मोनिका है। अब ये तो साबित हो चुका है कि मोनिका फर्जी तरीके से आपके कॉलेज में घुसी थी और मुझे पूरा यकीन है कि मोनिका को बेरामैक्सिन आपके कॉलेज से ही मिला है। अब या तो उसने आपके कॉलेज की लैब से चुराया है या फिर उसे ये आपके किसी टेक्नीशियन से मिला है जिसने अनजाने में या फिर किसी लालच में आकर जानबूझकर उसे दे दिया। जानबूझकर दिए जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि मैं मोनिका को ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन इतना समझ गया हूं कि वो बहुत शातिर औरत है, उससे उगलवाना मुश्किल होगा, इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप कोऑपरेट करेंगे। भरत, इस सिल्वा कॉलेज की केमिस्ट्री लैब का डेटा चेक करने के लिए फॉरेन एक टीम बनाओ, सारा डेटा जल्द से जल्द एनालाइज करो। ठीक है सर, एक टीम बनाकर काम पे लगा देता हूँ। फिलहाल ये केस हमारे लिए सबसे अहम है, बाकी सभी केसेस साइड पे रखो। सर मैंने पॉल से भी बात की है, उसका कहना है कि उसे पता ही नहीं था कि मोनिका डिसिल्वा कॉलेज में प्रोफेसर है। झूठ बोल रहा है पॉल, उसकी 6 साल की बेटी और वाइफ भी मरी है। उससे हमें सिर्फ मोनिका के बारे में नहीं बल्कि ये भी पूछताछ करनी है कि इस सब में उसका क्या रोल है। अमृता, मुझे जल्द से जल्द मोनिका के फोन रिकॉर्ड चाहिए। जब उसने पहला फोन खरीदा होगा तब से लेकर अब तक जितने भी नंबर इस्तेमाल किए हैं, एक एक नंबर की डिटेल चाहिए। सर तब से लेकर अब तक, मोनिका भी 38 साल की है तो उस वक्त 18 से 20 साल की होगी जब उसने पहला फोन खरीदा होगा, राइट? मतलब 2001 या 2 से लेकर अब तक। और पीछे जाना पड़े और पीछे जाओ लेकिन एक एक नंबर की डिटेल निकालो। कॉलेज में फर्जी तरीके से घुसना, अपने आप को प्रोफेसर बताना, कॉलेज से बेरामैक्सिन चुराना, नकली पेपर्स बनवाना, मैं मानता हूं कि बहुत शातिर औरत है लेकिन इतना कुछ करने के लिए उसने किसी ना किसी की मदद तो ली होगी। भरत,
डिसिल्वा कॉलेज के डेटा पर टीम लगाने के बाद तुम्हारा अगला काम गांधीनगर एफएसएल से बात करना है, क्योंकि शायद फोरेंसिक से हमें यह पता चले कि जो 6 मौतें हुई वो नेचुरल थी या उन्हें जहर दिया गया था। मतलब फिलिप के अलावा वो 5 मौतें हैं जो पिछले 14 साल में हुई हैं। करेक्ट। और उसके तुरंत बाद तुम्हें मोनिका की हिस्ट्री भी निकालनी है, कौन है, कहां से आई, एक एक डिटेल चाहिए मुझे। 6 मौतें मतलब 6 मर्डर्स, जिसमें एक 6 साल की बच्ची भी है। ये औरत है क्या? सर, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जॉर्ज का मोनिका पे शक गलत नहीं है, और पीटर फर्नांडिस का शक भी सही था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद हमारी टीम से कहीं ना कहीं चूक हो गई, वरना जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो को बचाया जा सकता था। अब सर उन्हें बचा तो नहीं पाए, लेकिन न्याय तो दिलवा सकते हैं। और सर उसके लिए हमें मारिया गोम्स, अल्बर्ट गोम्स, पीटर फर्नांडिस, जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो की बॉडी को ग्रेव से बाहर निकालना होगा। तुम्हें लगता है एफएसएल को इन डेड बॉडी से कुछ हाथ लगेगा, क्योंकि आखिरी बॉडी 4 साल पहले और पहली 14 साल पहले दफनाई गई थी। सर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उन 6 लोगों की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि मर्डर्स है। मैं जानता हूँ ये काफी चैलेंजिंग होगा, लेकिन फिर भी लेट्स डू इट। तुम गड़े मुर्दे उखाड़ थे, और हम उस मुर्दे में जो कुछ बचा हुआ होता है उससे उसका पूरा इतिहास निकाल लें। डेड बॉडी निकालने की परमिशन के बाद मुझे बॉडीज निकालते वक्त आपकी टीम की जरूरत पड़ेगी, इन्फॉर्म कर देना, मेरी टीम वहां पहुंच जाएगी। मैं इस केस के ऊपर अभी मेरा काम शुरू कर देता हूँ, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भावेश, मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा, जरा उसका पता लगा। ये एक नंबर है जो काफी टाइम से एक्टिव है। मैं जानती हूँ भावेश के ये काम आसान नहीं है, लेकिन क्या करें, ये केस भी आर्कियोलॉजी के एक्सपेक्टेशन से कम नहीं है। अमृता जी, आप इस नंबर का 2003 से रिकॉर्ड मांग रहे हैं, ऊपर से इस नंबर पे जिससे बात हुई है उनका भी उतने साल पुराना रिकॉर्ड, और सर्वर में इतना डाटा मेंटेन थोड़ी होता है। अच्छा, जितना निकलता है उतना तो भेजो। डेड बॉडीज को खोद कर बाहर निकालने के लिए हमें मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगेगा, मैं आज ही लेटर भेजता हूँ। जितनी जल्दी परमिशन मिलेगी उतना अच्छा है। मैं चर्च अथॉरिटी से बात करता हूँ, अगर वहाँ से भी किसी तरह की परमिशन की जरूरत है तो ले लेता हूँ। पर साथ साथ तुम्हें ये भी पता करना होगा कि मोनिका को बैरामैक्सिन मिला कहाँ से, क्योंकि अगर 14 साल पुरानी डेड बॉडीज से कुछ नहीं मिला तो हमें बैरामैक्सिन के सोर्स को ही ट्रैक करना है। तो ये सब मर्डर ही थे ना सर? जॉर्ज, हम डिसिल्वा कॉलेज की केमिस्ट्री लैब का पिछले 15 साल से अब तक का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, लेकिन ग्रेव्स में से डेड बॉडी को खोद के निकाल के उसमें से बैरामैक्सिन के बारे में पता करना आसान काम नहीं है। और अगर पता नहीं चल पाया कि जहर दिया गया था, तो फिलिप की डेथ के अलावा बाकी सब की डेथ नेचुरल मान ली जाएगी। अगर इन डेड बॉडीज में से कुछ नहीं मिलता तो ये केस आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक ये ना पता चले कि मोनिका को बैरामैक्सिन कहाँ से मिला। सर, लेकिन आपको ये तो पता चल चुका है ना कि मोनिका 15 साल से वो फेक आईडी से अपने आप को डिसिल्वा कॉलेज की टीचर बता रही थी, इसका मतलब ये होता है कि औरत फ्रॉड है। सर, मुझे तो ये भी यकीन हो गया है कि डैड की जो विल मोनिका ने पीटर अंकल को लाकर दी थी वो भी फेक थी। सर, डैड के विल को हम कोर्ट में चैलेंज करने ही वाले थे, फिलिप की डेथ हो गई इसलिए हम दोनों ने अपनी मर्जी से सब कुछ मोनिका को दे दिया, और उसने अपने नाम पे सब कुछ ट्रांसफर करवा भी लिया था। सारी प्रॉपर्टीज, बिजनेस सब मेरे सामने ही उसके नाम पे ट्रांसफर हुआ था। इनफैक्ट पीटर अंकल और मैंने खुद उन पेपर्स पे साइन किए थे विटनेसेस के तौर पे। नताशा, जॉर्ज, ये केस इतना आसान नहीं होगा, हमें 14 साल पीछे जाना होगा और हर उस चीज को प्रूव करना होगा जिससे ये साबित हो कि वो 6 डेथ्स मर्डर्स थे। और सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि मोनिका को बैरामैक्सिन कहाँ से मिला, इतने रिस्ट्रिक्टेड केमिकल के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिली। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि डिसिल्वा कॉलेज में घुसने के लिए उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, तो हो सकता है तुम्हारे फादर की विल भी उसने फर्जी बनाई हो। पीटर अंकल भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, वही थे जिन्होंने फिलिप के बॉडी में वो ब्लू मार्क देखा था। सर, माय गॉड, मतलब पीटर अंकल को पता चल गया था कि फिलिप का मर्डर हुआ है, इसलिए सर वो मोनिका की फैमिली में कौन कौन है, उसके माँ बाप, भाई बहन, कोई और रिश्तेदार, कोई भी? हाँ सर, उसके मॉम डैड है, कैनाकोना में रहते हैं। लीना, मैं जा रहा हूँ। सेबी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना मत भूलना। हाँ, भर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मोनिका अपनी फैमिली से काफी टाइम से मिली है। मतलब? उनके बीच में रिलेशंस कुछ ठीक नहीं थे, मोनिका के पेरेंट्स फिलिप के डेथ पे भी नहीं आए थे। आई डोंट नो, उसने इन्फॉर्म भी किया होगा या नहीं उनको। 6 लोगों की डेथ जो शायद मर्डर्स हो, तो मोनिका का इसके पीछे का मोटिव सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी को हासिल करना था? मुझे लगता है कुछ और भी गड़बड़ है। वही तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मोनिका के साथ गड़बड़ क्या है। सर, पॉल की वाइफ रेचल,
और उसकी बेटी जेनिफर, हमें लगता है कि उन दोनों को भी मोनिका ने मारा है सर, जिनका हमारी प्रॉपर्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। मोनिका का मानसिक संतुलन ठीक है ना? सर, मोनिका हमेशा से एक बहुत अच्छी इंसान रही है, पर अब लगता है कि शायद उसके पर्सनालिटी का कोई दूसरा भी साइड है जिसके बारे में आज तक हमें पता ही नहीं चला। क्या हुआ पॉल? तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया है? तुमने ग्रेवयार्ड पे रेचल को किस क्यों किया था? क्योंकि रेचल मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी पॉल। आई लव यू पॉल। मैंने कुछ नहीं किया है। नताशा और जॉर्ज को गलत फहमी हो रही है। पॉल में प्यार का दिखावा नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन सबसे प्यार करती थी जिन्हें मैंने खोया है। मुझे भी बहुत दुख है उनके जाने का। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम डिसिल्वा कॉलेज की केमिस्ट्री लैब का 2004 से अब तक का डेटा बहुत बारीकी से जांच रही थी कि बैरामैक्सिन कब कितनी मात्रा में आया और कहां कहां इस्तेमाल हुआ। लैब टेक्नीशियन दीपक मंदार और बीरेन चैटर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान मारिया गोम्स, एल्बर्ट गोम्स, फिलिप गोम्स और पीटर फर्नांडिस के अवशेष जांच के लिए ग्रेव्स खोदकर बाहर निकालने की परमिशन भी मिल गई और जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो के भी ग्रेव्स को खोदकर उनके अवशेष बाहर निकालने की अनुमति मिल गई। सर, मोनिका के भी रीसेंट फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि मोनिका के अपने फैमिली मेंबर नताशा और जॉर्ज के अलावा एक प्रशांत कदम नाम के आदमी से लगातार बातचीत रही है। एक ही नाम मिला है? जी सर। बहुत चालाक औरत है। एनीवे, प्रशांत कदम कौन? सर, पॉलिटिकल वर्कर है कलंगुट से। प्रशांत बहुत तो पॉलिटिकल वर्कर है, कलंगुट में पार्टी का काम देखता है, सॉलिड आदमी है, अच्छी पॉस है उसकी। ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है, पर एरिया में धाक है उसकी। पर मैम, ये मोनिका का प्रशांत कदम से क्या कनेक्शन हो सकता है? गणेश, तुम मुझसे मत पूछो, खोद कर निकालो और मुझे बताओ कि क्या मामला है। ये 6 के 6 डेथ मर्डर्स लग रहे हैं। फिलिप के केस में तो तुम चूक गए थे, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर, खबरी गणेश ने कलंगुट में अपने नेटवर्क से पता लगाया है कि मोनिका अपने फैमिली बिजनेस के सिलसिले में अक्सर प्रशांत कदम से मिलती रही है और उसके अलावा भी मिलती रही है। अलावा भी मतलब? सर, एक्चुअली कलंगुट में प्रशांत कदम का एक छोटा सा होटल है, सालों से मोनिका और प्रशांत वहां मिल रहे हैं। अब मोनिका को उठाकर पूछेंगे तो जाहिर सी बात है वो कहेगी ये बिजनेस मीटिंग थी, भले ही उसके प्रशांत कदम के साथ अवैध शारीरिक संबंध रहे, लेकिन हमारा उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि प्रशांत कदम उन 6 लोगों की डेथ या उनके मर्डर्स के बारे में कितना जानता है। उसे उठाकर सीधा सवाल करें तो? सीधा उठाकर सवाल पूछने के बजाय कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सिर्फ फिलिप गोम्स की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ था और उसकी बॉडी से बैरामैक्सिन के ट्रेसेस पाए गए थे, लेकिन बाकी 5 मौतों में किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था क्योंकि उनकी मौत को नेचुरल बताया गया था। अब उन बॉडीज को बाहर निकाला गया था, उनके अवशेषों की जांच होने वाली थी। क्या इस जांच में कुछ सामने आने वाला था जिसकी पुलिस को उम्मीद थी? क्या इन सभी को भी जहर देकर मारा गया था? फोरेंसिक टीम के लिए भी इन सभी सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं था। प्रफुल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इतने सालों के बाद डेड बॉडी के नाम पर हमें सिर्फ कुछ हड्डियां, कुछ स्केलेटन मिलने वाली थी और वही हुआ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम उनका डीएनए हासिल करने में कामयाब हुए। अब उसी से हमें एनालिसिस करना होगा, उसी से पता करना होगा कि जहर दिया गया था या नहीं। मुश्किल है, यहां पर नामुमकिन नहीं। गिरीश जी, आपने कहा नामुमकिन नहीं है, मतलब मुमकिन है। पता चल सकता है कि इनको जहर दिया गया था, इनकी मौत भी बैरामैक्सिन की वजह से हुई है। एग्जैक्टली, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, टेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है।
लेकिन हम जरूर पता लगा लेंगे कि जहर दिया गया था या नहीं। थैंक यू गिरीश जी, आप टाइम लीजिए लेकिन जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट दीजिए प्लीज। सर आप बार बार हमें यहाँ बुला लेते हैं, हमें जो पता था हम आपको सब बता चुके हैं, अब सर बार बार परेशान करने से हम आपको कुछ नया तो बता नहीं देंगे। सर हमने सच में कुछ नहीं किया है सर, हमको नहीं मालूम मोनिका को किसने बैरामैक्सिन दिया, कहाँ से दिया, कुछ नहीं मालूम सर। लेकिन हमें तो कुछ और ही पता चला है। बैठो। वैसे आप लोगों को पता है ना कि हमारी एक टीम आपकी लैब का 2004 से लेकर अब तक का बैरामैक्सिन का रिकॉर्ड चेक कर रही थी, उसमें ये सामने आया है कि 2005, 2007, 2010, 2012, 13 और 2015 में आपकी लैब से बैरामैक्सिन गायब हुआ है, और ये वही 6 साल हैं जब गुम्स फैमिली और डिमेलो फैमिली में डेथ्स हुई थी। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता सर, सर बैरामैक्सिन लैब से आज तक गायब हुआ ही नहीं है। हुआ है, और हमें ये भी बताया कि कब हुआ और कितना हुआ। हमें तो ये भी पता चला है कि मोनिका को कैसे पता चला कि कितनी मात्रा में बैरामैक्सिन देना है जिससे दिल का दौरा तो पड़े लेकिन जांच में सामने ना आए। थैंकफुली उस दिन तब तक हमने फिलिप की बॉडी उसकी फैमिली को हैंडओवर नहीं की थी, और उसी वक्त पीटर फर्नांडिस ने नोटिस किया कि फिलिप की बॉडी नीली पड़ रही है। डॉक्टर प्रांस भाई, मैंने उन सभी डॉक्टर से बात की है जिन्होंने बाकी लोगों के केस हैंडल किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाया कि उन्हें जहर दिया गया था। इंस्पेक्टर जैसे कि मैंने बताया इसमें दो वजह हो सकती है, पहली ये कि उसे जहर दिया ही नहीं गया हो। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मोनिका गुम्स के बारे में जो भी सच सामने आया है वो आम बात नहीं है, वो बहुत शातिर औरत है और उसने बड़ी चालाकी से ये मर्डर्स किए हैं। दूसरी वजह यह है कि मोनिका ये अच्छी तरीके से जानती है कि किसी इंसान को हार्ट अटैक आने के लिए कितनी मात्रा में बैरामैक्सिन डोज दिए जाते हैं और जिससे कि वो डिटेक्ट भी ना हो। तो मोनिका को एग्जैक्टली पता होगा कि कितना बैरामैक्सिन देना है। शायद मोनिका को एग्जैक्ट मात्रा पता थी और ये वो खुद पता नहीं लगा सकती जब तक कोई एक्सपर्ट उसे ना बताए, और इसी काम में आप दोनों ने उसकी मदद की है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी 5 लाशों को भी ग्रेव्स में से खोद कर निकाल लिया गया है, उसकी जांच चल रही है, और अगर उन लाशों में बैरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले ना तो तुम दोनों तो बहुत बुरा फंसने वाले। सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया सर, इतना खतरनाक केमिकल जो एक्सपेरिमेंट में भी इतनी निगरानी में यूज होता है मैं ऐसे किसी को नहीं दूंगा। सर हम पहले ही बता चुके हैं, हम बस उसे लाइब्रेरी में मिले थे, थोड़ी बहुत कुछ बातचीत हुई थी लेकिन केमिस्ट्री या बैरामैक्सिन के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। हम लोगों ने लैब के रिकॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए, हमें मान ही नहीं सकते सर कि केमिकल गायब हुआ है, अगर हुआ भी है तो किसी और ने किया सर, हम दोनों ने नहीं सर। किसी और ने किया है मतलब, और कौन कर सकता है? देखो बात को समझ लो, ये केस बहुत सीरियस है, हम ऑलरेडी 14 साल लेट चल रहे हैं, अब अगर किसी की वजह से एक दिन की भी देरी हुई ना तो उसे बख्शेंगे नहीं हम। सर हमने कॉलेज से मिले डेटा को 6ठी बार छाना है। कुछ मिला? नहीं सर। और आपको? नहीं। दीपक और बीरेन अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने बैरामैक्सिन मोनिका को नहीं दिया। सर इतने सालों में रत्ती भर बैरामैक्सिन लैब से गायब नहीं, सारा रिकॉर्ड क्लियर है। सर मुझे नहीं लगता कि मोनिका को बैरामैक्सिन लैब से मिला हो। मोनिका को बैरामैक्सिन दीपक और बीरेन ने ना दिया हो बल्कि किसी स्टूडेंट ने उसकी हेल्प की हो, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे केमिकल चुराया और मोनिका को दे दिया। इंस्पेक्टर स्टूडेंट्स को कोई भी केमिकल लैब से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है, वो उन्हें वहीं एक्सपेरिमेंट में यूज करने को मिलता है और वहीं खत्म करना पड़ता है। लेकिन जब मोनिका आपके कॉलेज में घुस सकती है, सबको बेवकूफ बना सकती है कि वो वहां पढ़ाती है, तो हो सकता है कि उसने किसी स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया हो, उसे यूज किया हो। इंस्पेक्टर सिर्फ इसलिए कि हमसे एक गलती हो गई कि वो यहाँ टीचर बन के आती रही और हम पकड़ नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सारे स्टाफ पर शक करेंगे। और जब आपको हमारे स्टाफ से कुछ नहीं मिला तो आप हमारे स्टूडेंट पर शक करने लगे, और आप सिर्फ हम पर शक क्यों कर रहे हैं? बैरामैक्सिन सिर्फ हमारे लैब में नहीं यूज होता बल्कि गोल्ड इंडस्ट्री में भी यूज होता है, आप वहां क्यों नहीं पता करते? वहां भी पता करेंगे, लेकिन मिस्टर रसल मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि मोनिका ने फेक केमिस्ट्री टीचर बन के जाने के लिए आपका ही कॉलेज क्यों चुना? कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे। आप उन सभी इयर्स के स्टूडेंट्स को चेक कीजिए जिन सालों में ये डेथ्स हुई हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मोनिका आपके कॉलेज किसी खास मकसद से आई थी। ओके अमृता। यस सर। हमें फोरेंसिक से सभी डिटेल्स मिल जाएंगे, अगर ये पता चलता है कि इन सबको जहर दिया गया था तो ये सभी नेचुरल डेथ के केसेस मर्डर केसेस में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन मर्डर को साबित करने के लिए, अपराधी तक पहुंचने के लिए हमें हर हाल में ये पता लगाना होगा कि बैरामैक्सिन आया कहां से। सर प्रशांत कदम को उठाए, उससे पूछताछ करें। उठाते हैं प्रशांत को। भरत कहां है? सर वो मोनिका के मम्मी पापा से मिलने कैना कोना गया। मुझे कैना कोना में मोनिका के पेरेंट्स के घर का एड्रेस मिल गया है, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। खबरी गणेश ने मेरी मधुकर सावन से बात करवाई है, वो मोनिका और उसकी फैमिली को बचपन से जानता है, थोड़ी देर में उनसे बात करने वाला हूँ। गुड, मुझे यही पता करना था। भरत पहले मधुकर से बात करो,
फिलहाल मोनिका के माँ बाप से कुछ पूछताछ मत करना वरना मोनिका अलर्ट हो जाएगी। मम्मा। यस बेटा। नताशा आंटी और जॉर्ज अंकल कह रहे थे कि बेटा उनकी बातों पर ध्यान मत दो, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं। पर मम्मी वो पापा के बारे में बात कर रहे थे। जेम्स वो दोनों बहुत परेशान है बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी परेशानी दूर कर दूंगी। मोनिका जेम्स को घर का रास्ता पता है, वो खुद घर वापस आ सकता है। नताशा जेम्स मेरा भी बेटा है। फिलिप की हेल्थ और उसके पीने की आदत की वजह से हमने डिसाइड किया था ना कि वो तुम्हारे साथ रहेगा। नताशा तुम और जॉर्ज जो कर रहे हो ना मेरे साथ वो ठीक नहीं है। और जो तुमने किया वो सही था। इतने सालों तक तुम झूठ बोलती आ रही हो कि तुम कॉलेज में प्रोफेसर हो। क्यों, क्या जरूरत थी? तुम कर क्या रही थी मोनिका? मैं वहां पढ़ाई कर रही थी नताशा, रिसर्च कर रही थी। इनोसेंट लोगों को मारने का रिसर्च? मम्मा, डैड, फिलिप, पीटर अंकल, रेचल, जेनिफर, मोनिका तुमने इन सबको मार दिया। तुमने ये सब कुछ अकेले किया या पॉल ने भी तुम्हारा साथ दिया? सब जॉर्ज कहाँ है नताशा? लिसन मोनिका, जॉर्ज वापस लंदन चला गया, तुम उसको छोड़ो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वापस चला गया? एक बार मुझसे मिलने तक नहीं आया। उसे तुमसे डर लगता है और मुझे भी। ओ हेलो मोनिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बाय नताशा। हाँ जानता हूँ मोनिका, कई साल से जानता हूँ। तो चलो फिर तुमसे कुछ पूछताछ कर लेते हैं। किस बारे में? काफी टच में हूँ मोनिका, तो जानते ही होगे किस बारे में बात करनी। वैसे तुम्हारे पार्टी पर मुझसे बात हो गई, अगर इस सब में तुम्हारा कोई हाथ है तो हम तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं। चलो चलो। प्रशांत कदम बहुत कुछ जानता था, इस मामले में उसकी भूमिका होने के भी काफी आसार थे, पर बावजूद इस सबके उसे तोड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। दूसरी तरफ कैनाकोना में पुलिस मधुकर सावंत से मोनिका के अतीत के बारे में बहुत कुछ सनसनीखेज जानने वाली थी। आइए मधुकर। वो मोनिका का शादी का बाद से ही मैं उसको कभी नहीं मिला है सर, और उसका माँ बाप सेबेस्टियन और लीना वो भी कभी कभार ही मिले होंगे। मधुकर जी, हमें एक मामले में मोनिका गोम्स पे शक है और इसी वजह से मैं यहाँ तक आया। ये गणेश बताया मेरे को। सब मधुकर जी बता रहे थे कि बड़ी अजीब हिस्ट्री है इस मोनिका गोम्स की। कैसी हिस्ट्री? साहब वो स्कूल के टाइम से ही बहुत लपरा करती थी, अजीब बर्ताव था उसका। मोनिका पैसे कहाँ है? पैसे कहाँ है मोनिका? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया। मोनिका तू झूठ बोल रही है ना, मैंने तुझे देखा बॉस के आजू बाजू में डेस्क के पास तू घूम रही थी। मैंने तुझे पूछा ना कि तू क्या कर रही है, तूने क्या बोला मुझे कि तू भूख ढूंढ रही है। तूने मुझे झूठ बोला ना? मैं भूख ढूंढ रही थी। झूठ, फिर झूठ, एक के बाद एक। अरे डेस्क के पास वो कहां से आई तेरी? हाँ कहां से आई बोल। बस से पैसे चुराए ना तू, चुराए ना बस से पैसे। हाँ खड्डे के बाद भी चुराए, नहीं सुधरेगी। सच बोल ना। नहीं सुधरेगी बोल, चुराएगी पैसे, चुराएगी। अब तो रेडी चोरी? मैं पूछती हूँ मोनिका, सच बोलना, तूने चुराए पैसे? मोनिका की चोरी की आदत के कारण वो हर रोज ही सेबेस्टियन से मार खाती, और ये बात पूरे कॉलोनी को पता थी। अपने फादर के पर्स से पैसे चुराने की आदत को आप उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बता रहे हैं? सिर्फ पर्स से पैसा चुराने का बात नहीं है ना सर, वो स्कूल में एक लड़के का ज्वेलरी भी चुराया था। स्कूल ने सेबेस्टियन को बुलाया भी था, उस रात तो सेबेस्टियन ने बहुत मारा था। क्यों मोनिका, क्यों क्यों करती है सब? अरे कितनी शर्म आई मुझे सबके सामने जब तूने मेरी बेइज्जती करवाई। अरे सुधरती क्यों नहीं है? सैमी बस करो। अरे चुप, लीना तू घर छोड़। इतना बात तो इतना बात मुझे। अरे आज मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, सेबेस्टियन चोरी करने का सोचेगी भी नहीं। नहीं नहीं सेबेस्टियन, उसको गेम दी जितना लगा है। देख देख, उसे हाथ में चोट लगी है, उसका हाथ टूट गया है। मगर बहुत
कहां से सीखा ये सब? मोनिका, मैंने प्लास्टर कर दिया है, इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। सोते समय ध्यान रखना, इस पे दबाव मत पड़े और इसे खोलना मत। उस रात तो सेबेस्टियन ने मोनिका को इतनी बुरी तरह मारा तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। मोनिका, क्यों करती है तू ऐसा? क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़के की ज्वेलरी चुराने की? हाँ, देख बेटा, अब भी टाइम पे सुधर जा, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। मोनिका, बेटा हाथ कैसा है अब तेरा? पहले से दर्द कम है ना? ले, हल्दी वाला दूध पी ले। उस रात मैंने और मेरी बीवी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। देख बेटा, तेरा डैड बहुत ईमानदार आदमी है, उसूल का एकदम पक्का है वो। उसूलों की वजह से ही डैड गरीब है अंकल। अरे ऐसे नहीं बोलते, उसी की ईमानदारी की कमाई से तेरा घर चल रहा है ना। सिर्फ घर ही चल रहा है ना आंटी, दो टाइम का खाना मिल रहा है बस। चोरी करना जुर्म है, क्राइम है, अरे बहुत बुरी आदत। अगर ये आदत तूने नहीं छोड़ी ना तो एक दिन तुझे एक दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा अंकल, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी, जो चाहूंगी वो खरीद पाऊंगी, किसी के सहारे नहीं रहूंगी। तेरा डैड जो भी कर रहा है ना, तेरे अच्छे के लिए कर रहा है। हमने उसको अपनी तरफ से बहुत समझा, उसका माँ बाप ने भी उसको समझा। देखकर ऐसा लगने लगा था कि वो सुधर गई, खास करके फिलिप से शादी के बाद। हालांकि सब लोग हैरान थे कि इतना अमीर घर का लड़का फिलिप को ये मिडिल क्लास लड़की मोनिका से प्यार कैसा होगा। हाँ, पर एक ऐसी शादी थी साहब जिससे सारा कॉलोनी खुश था। मोनिका के माँ बाप ही नहीं बल्कि आपकी कॉलोनी उसकी शादी से खुश थी। मधुकर जी, हमें पता चला है कि मोनिका काफी टाइम से अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गई और उसके पेरेंट्स भी काफी समय से मोनिका से मिलने नहीं आए, यहाँ तक कि फिलिप्स गोम्स की मौत हो जाने के बाद भी नहीं। ऐसा क्यों? इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता सर। हाँ, पर सेबेस्टियन ने अपनी लाइफ में कुछ चीजों को स्वीकार कर लिया था। देखना नहीं चाहती मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो मुझसे और लीना से मिलना ही नहीं चाहती, उसे अब अपनी जिंदगी में हमारी कोई जरूरत नहीं। मरे और कितने पता नहीं, मुझे लगता था फिलिप से शादी के बाद वो बदल जाएगी, ठीक हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जैसी थी वैसे ही है, मेरी इकलौती बेटी, इकलौती औलाद, अपने माँ बाप की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। सेबेस्टियन ने कभी नहीं बताया कि मोनिका ने उनसे नाता क्यों तोड़ा। देखिए मधुकर जी, आप मोनिका और उसकी फैमिली को बचपन से जानते हैं, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूँ, कुछ छुपाइएगा। मधुकर जी, क्या यह पॉसिबल है कि सेबेस्टियन और लीना को पता था कि उनकी बेटी मोनिका ने अपने ससुराल वालों को जहर दे के मारा? मधुकर जी, मोनिका के पति के केस में साफ हुआ है कि उसके बॉडी में जहर था। जी साहब, मेरे को सेबेस्टियन, लीना और मोनिका के बारे में जितना भी मालूम था ना, मैंने आपको बताया था। अब ये सेबेस्टियन और लीना उसके बारे में क्या जानता है क्या नहीं जानता है वो मेरे को नहीं मालूम। ऐसा कोई ना कोई तो जरूर था जो इन छह लोगों की मौत और उनके मर्डर होने के बारे में जानता था। गोम्स परिवार में हुई हर एक मौत, यहां तक कि जेनिफर और रेचल की मौत, इस सब के बारे में कोई तो था जिसे जानकारी थी। 14 सालों तक स्वाभाविक मौत के नाम पर छुपी इन छह रहस्यमय हत्याओं में से एक शातिर षड्यंत्र की बू आ रही थी और इस षड्यंत्र की जानकारी एक नहीं बल्कि कई लोगों को थी। बैरामैक्सिन, ये क्या होता है? मेरे को तो मालूम ही नहीं। तू मोनिका को 2003 से जानता है ना, जब वो शादी करके आई थी। मैं मोनिका से पहली बार अपनी कैलंगूट वाली शॉप में मिला था, तब से ही दोस्ती है, दोस्ती से ज्यादा ही है। तुमने जो पता किया है वो सच है, हम दोनों का फिजिकल रिलेशन है, वो उसकी भी जरूरत है और मेरी भी, तो चल रहा है। पर उसने अपनी फैमिली में किसी का मर्डर किया है ये बात मैं नहीं मान सकता। उसका अच्छा दोस्त है ना तू, तो ये भी जानता होगा कि मोनिका फर्जी आईडी बनाकर डिसिल्वा कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर बनके घूम रही। मेरे को इतना मालूम है कि उसे पढ़ने का शौक है, अब वो वहां स्टूडेंट है या टीचर ये मालूम नहीं। प्रशांत कदम, मोनिका अकेले इतनी बड़ी धोखाधड़ी और 6-6 मर्डर्स नहीं कर सकती। तो आपको क्या लगता है मैंने उसकी मदद की है? मैंने अपने एरिया कैलंगूट में छोटे मोटे झगड़े किए हैं, बल्कि अब तो वो सब भी छोड़ दिए। मर्डर तो बहुत दूर की बात है, मेरे को इलेक्शन लड़ना है, नेता बनना है, मैं काहे को ये
बेकार के झगड़ों में पड़ूंगा। दोस्त नेतागिरी तो तू भूल जा, क्योंकि तू नहीं बताएगा तो भी हम पता तो करेंगे और तुझे तेरी असली जगह पर पहुंचाएंगे। जब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें तो मैं क्यों डरूं? करो आपको जो करना है। प्रशांत से हर दिन पूछताछ हो रही थी, पुलिस के सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हर दिन उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था। अलग अलग पुलिस वाले अलग अलग तरीके से उससे पूछताछ करते थे। आखिरकार प्रशांत कदम के टूटने के संकेत मिलने लगे थे। यकीनन प्रशांत कदम के पास पुलिस को देने के लिए ढेरों जानकारियां थी, पर वो पुलिस के सामने घुटने नहीं टेक रहा था। दूसरी तरफ पुलिस लगातार मोनिका पर नजर बनाए हुए थी। पुलिस ने मोनिका पर 24 घंटे निगरानी रखी थी। मिस हो गया सर। जब तक मैं वहां पहुंचता उससे पहले किसी और ने पीसीओ इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए सर रीडायल करने का कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन शरद ये तो कंफर्म है ना कि मोनिका ने वहां से किसी को फोन किया और उसकी बात भी हुई? हाँ सर, पूरे 2 मिनट तक बात हुई। मोनिका ने 1:30 पर कॉल किया था सर। ये है उस पीसीओ का नंबर जहां से उसने कॉल किया था। अमृता, इस लैंडलाइन नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने किसको कॉल किया था। जी सर। पर भाऊ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने कोई बैरा मैक्सीन या ऐसा कुछ भी सप्लाई नहीं किया। देख प्रशांत, तू पार्टी मेंबर है और इस औरत पे पुलिस को 1 नहीं 6 मर्डर का शक है। ऐसा नहीं हो कल पार्टी को इसकी या तेरी वजह से। भाऊ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा ये मर्डर में कोई हाथ नहीं है। तो जिसमें भी तेरा हाथ है, तूने उसकी जो भी जिस भी तरह की मदद की है, जाके पुलिस को बता दे। मेरी बात तो सुनो, मैंने उसको थोड़ी मदद की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने ये सब। प्रशांत, मेरे को सुनाने का मतलब नहीं है, तुझे जो बताना है जो कहना है पुलिस को जाके कह। पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता होने वाली थी कि प्रशांत बयान देने और सच बताने के लिए तैयार हो गया था। वो जुर्म जिसकी शुरुआत 14 पहले हुई थी, अब अपने असली चेहरे के साथ सामने आने वाला था। अब एक बड़ा खुलासा होने जा रहा था। एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी समानता सामने आने वाली थी जो 14 सालों तक सबकी नजरों से बची रही थी। इन सभी 6 मौतों में एक समानता थी जो फिलिप गोम्स के केस के अलावा सभी केसेस में छूट गई थी। इंस्पेक्टर प्रफुल्ल, जिस रिपोर्ट का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वो मेरे सामने मेरे टेबल पर है। फिलिप गोम्स का एनालिसिस पोस्टमार्टम के चलते तुम्हारे पास पहले से ही है। बाकी 5 लोगों की मौत जिस प्रकार हुई थी वो अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम चौंक जाओ। सबको जहर दिया गया था? हाँ, एनालिसिस के मुताबिक उन सभी को फिलिप गोम्स की तरह पैरामैक्सिन दिया गया। मारिया गोम्स, अल्बर्ट गोम्स, पीटर फर्नांडिस, 6 की बच्ची जेनिफर और उसकी माँ रेचल डिमेल, इन सभी को पैरामैक्सिन दिया गया था जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसकी मात्रा इतनी कम थी कि डॉक्टर भी उसे पहचान नहीं पाए और उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। और इस तरह सारे मर्डर्स एक नेचुरल डेथ बन गई। 6 मासूम लोगों की हत्या जो 14 साल तक स्वाभाविक मौत मानी जाती रही, दरअसल ये मौत स्वाभाविक नहीं क्रूर हत्याएं थी। 2010 में फिलिप गोम्स की मौत पर शक सबसे पहले गहराया था, पर अनदेखी और लापरवाही के कारण ये हत्या आत्महत्या के नाम पर दर्ज की गई और फाइल बंद कर दी गई। जो सच 14 साल जमीन में दफन रहा वो आज बाहर आकर न्याय की गुहार लगा रहा है। 1 नहीं 6 निर्मम हत्याओं की कहानी कह रहा है। ये साबित हो चुका है कि 6 लोगों की डेथ नेचुरल नहीं बल्कि मर्डर्स थे। इन 6 लोगों को मारने के लिए जिस बैरामैक्सिन का यूज हुआ, क्या आपको उसकी जानकारी मिल चुकी है कि वो कहां से आया था? अभी तक तो नहीं मैम, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मोनिका जिस कॉलेज में प्रोफेसर बनकर जाती। देखिए, मैं बता चुका हूँ कि अभी सिर्फ ये साबित हुआ है कि 6 लोगों के मर्डर्स किए गए। क्यों हुए, किसने किए, कैसे किए, ये सब पता लगाना अभी बाकी है। हमारे पास कुछ लीड्स हैं, लेकिन फिलहाल वो लीड्स आपके सामने नहीं रख सकते। प्रशांत कदम, तेरा खेल और पॉलिटिकल करियर दोनों खत्म। सजा कम करवाने का एक मौका दे रहा हूं। हमें पता तो चल चुका है कि मोनिका का इन मर्डर्स में साथ तू नहीं दिया था। बैरामैक्सिन तू ना लाके दिया था।
साहब, मैंने उसकी मदद नहीं की। मुझे तो सुनकर खुद शौक लगा था कि उसने 6 लोगों को मारा है। सच्ची बोल रहा हूँ साहब, मेरे को आइडिया नहीं था कि उसने किसी को मारा है। हेलो, कौन बोल रहा है? फोन तुमने किया है, तुम बताओ कौन बोल रही हो? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमृता बोल रही हूँ। 6 दिन पहले मोनिका गोम्स ने तुझे पीसीओ से कॉल किया था ना? 1 सेकंड पहले तो तू बहुत फैल रहा था, ये अचानक तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? मोनिका गोम्स को जानते हो? जी, जानता हूँ मैं उसे। नाम क्या है तेरा? लॉरेंस। खाली लॉरेंस, आगे पीछे कुछ नहीं है? केविन लॉरेंस। केविन, तू मोनिका गोम्स को कैसे जानते? मेरे को बैरा मैक्सिम के बारे में तो कुछ मालूम नहीं, पर मैं आपको कुछ और बता सकता हूँ। पर मेरे को मालूम नहीं कि उनका इन मर्डर से कुछ लेना देना है कि नहीं। प्रशांत, अपने भेजे का इस्तेमाल कर। मोनिका नहीं बोल रही है तो तू बोल, तेरे पास मौका है। जो जानता है बक दे, वरना दोस्त इतना तोड़ेंगे ना, तुझे बोलना तो पड़ेगा। तो 24 घंटे हमारी निगरानी में, इसलिए भागने की सोचना भी मत। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू खुद दोना पोला क्राइम ब्रांच में आके रिपोर्ट कर, वरना हम तुझे उठा लेंगे, समझा? अब तक जो सच सामने आए थे वो पूरी तरह से अविश्वसनीय थे, लेकिन अभी और भी रहस्य थे इस केस के, और भी खुलासे होने बाकी थे। ये वो 6 दर्दनाक भयानक हत्याएं थीं जो 14 साल पहले से घट रही थी। इस दर्दनाक भयानक केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्याओं की इस श्रृंखला को रोका जा सकता था, ये हत्याएं कभी नहीं होती। ये सब हत्याएं और वो खुलासे जो होने बाकी हैं, जब उनका सच सामने आएगा और ये पता चलेगा कि ये सब क्यों, कैसे और किसने मिलकर किया था, तो सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचने वाला था। जॉर्ज, ये केस बहुत सीरियस हो गया है, मुझे लगता है तुम्हें गोवा आ जाना चाहिए। हाँ नताशा, मैं आ रहा हूँ। मोनिका ने पुलिस को कुछ बताया? अभी तक तो नहीं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। क्या बताना है नताशा? ये षड्यंत्र कैसे रचा गया, कैसे अपने अंजाम तक पहुंचा और कौन कौन इस साजिश में लिप्त थे, ये हम देखेंगे इस श्रृंखला के आखिरी अध्याय में। जय।